भैया हम चौड़ेपन में वीडियो बनाने के लिए निकले थे, लेकिन हमारी खुद की वीडियो बन गई है यहाँ पर। बहुत 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 ठंड हो रही है भाई, माइनस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल फिट फाट होंगे भाई। तो डे 3 जो है हमारा स्टार्ट हो गया है और हम लोग जो हैं अब बालाकोट से सफ़र करेंगे हम आगे की साइड पे, और हम जा रहे हैं बाबूसर टॉप में चिलास। तो चले ना, थोड़ा सा आपको व्यू भी दिखाते हैं कि रात में कैसा व्यू था होटल पर, सुबह का कैसा व्यू। तो आ जाएँ, आज का व्लॉग अपना स्टार्ट करें। ये भैया सुबह का व्यू है और ये छोटा सा गार्डन है, यहाँ बॉनफायर वगैरह और ये सब चीज़ें हो जाती हैं और बैठ जाते हैं, थोड़ी गेट टुगेदर हो जाती है दोस्तों के साथ। तो बहुत ज़बरदस्त व्यू है, बहुत ज़बरदस्त के मज़ा आ गया भाई। तो जनाब आला, सफ़र का आगाज़ जो हमने कर दिया है और नारान जो है सिर्फ 80 किलोमीटर रह गया है। बाकी रोड की कंडीशन जो है वो ऐसी है कि इतनी पब्लिक नज़र नहीं आ रही। बाकी ये है कि मकामी लोग जो हैं वो गाय बकरियाँ वो ऐसी वो क्या कह सकते हैं उसको, बस जहन में नहीं आ रहा क्या कहते हैं उसको मवेशी जो होते हैं उनको तर बदर कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं, नकल मकानी, थैंक यू सो मच, नकल मकानी कर रहे हैं वो। बाकी ये क्या आप रास्ता चेक कर सकते हैं, हम अपने मज़े से सकों से गाड़ी चला रहे हैं। तो जनाब आला, अब हम जो है वो नारायण की तरफ पहुंचने वाले हैं और रास्ते थोड़े बहुत ऐसे हैं, बाकी सब कुछ सही है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान। और व्यू जो है ना, इतने हसीन व्यू हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी आँखों में कैप्चर हुए हैं बिल्कुल वो, और मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूँ तो शायद कुछ नज़र आ जाए। तो आप व्यू दिखाएं ज़रा सामने की और साइडों के सब जगह की, ये आप देख सकते हैं व्यू और बहुत ज़बरदस्त है। और उनके हाथ पे हमारी बिल्कुल खाई चल रही है, इन साइड पर देखा जाए। पहाड़ ही पहाड़, हम तुम्हारी राह देखे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। ये आप हसीन नज़ारे देख सकते हैं, ये कितने हसीन नज़ारे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी मेरा व्लॉग देख के बहुत मज़ा आ रहा होगा और आप लोग भी घर बैठे एंजॉय कर रहे होंगे मेरा व्लॉग देख के। सफ़र बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है हमारा अब तक, और नारायण कागज जाएंगे उसके बाद बाबूसर टॉप। अच्छा, बाबूसर टॉप कह रहे हैं कि बंद है, लेकिन मकामी लोग और जो होटल वाले हैं और गाड़ी वाले ड्राइवर हैं वो कह रहे हैं खुला हुआ है। तो वो तो अब वहीं जाके हमें पता चलेगा कि क्या अपडेट है वहाँ की। तो जनाब आप ये व्यू चेक कर सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त व्यू है, और सामने ही बिल्कुल जो है ना हरियाली है बिल्कुल। और इस टाइम जो मौसम है ना बड़ा हसीन है, बहुत हसीन है भाई, बेहतरीन। आप लोगों को भी मज़ा ही आ रहा होगा मेरी वीडियोस देख के आई नो, मैं सच ही कह रहा हूँ आप लोगों को मज़ा ही आ रहा होगा मेरी वीडियोस देख के। तो नारायण खागान जो है वो हम मज़ीद थोड़ा सा दूर रह गया बस पहुँचने वाले हैं, और ब्यूटी तो फिर ब्यूटी है, अल्लाह पाक की खूबसूरती है, जाहिर सी बात है इधर नॉर्दर्न एरियाज में। तो जनाब आप नॉर्दर्न एरिया में हो और आपको ये मिल जाए भुट्टा और ये ना खाएं, तो फिर मज़ा ही नहीं है भाई, मज़ा ही नहीं है। इसका भी एक अपना ही मज़ा है यहाँ पर खाने का। ये इस टाइम नारायण की सूरत हाल है, आज तारीख है 4 नवंबर 2023, और नारायण जो है इस टाइम बिल्कुल सन्नाटे में है। चंद गाड़ियां हैं और होटल्स भी जो हैं वो चंद खुले हैं, और लेकिन जो एक रश होता है पब्लिक का वो रश नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर। लेकिन
इसकी रौनक के जो है इसकी वो भी आगे जाके बहाल होनी ही है वैसे भी, क्योंकि ये तो बस अभी नवंबर का महीना चल रहा है और बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अब देखें, अब हमारा इरादा है बाबूसर टॉप जाने का, देखते हैं कि बाबूसर टॉप खुला है हमारे लिए या नहीं, क्योंकि कह रहे थे कि सुबह बंद था लेकिन 12 बजे के बाद खुलने की कहानी थी, लेकिन अब देखते हैं कि खुलता है बाबूसर टॉप या नहीं खुलता, वो आगे जाके ही पता चलेगा हमें। तो जनाब हम अल्हम्दुलिल्लाह नारान कागान तक तो पहुंच गए हैं, अब बाबूसर टॉप देखते हैं। मैंने आपको बाज़ार भी दिखाया कि क्या पोजीशन चल रही थी बाज़ार की, और एक दो गाड़ियां जा रही हैं सामने, तो हमने सोचा कि अब देखते हैं बाबूसर टॉप जाके कि खुला है या बंद है, क्योंकि हमारे अपडेट के मुताबिक हमारी बात हुई है डिप्टी कमिश्नर से, तो उन्होंने कहा था कि 12 बजे के बाद खोल दिया जाएगा क्योंकि काम चल रहा है, वहाँ क्रेनें लगी हुई हैं बर्फ़ हटाने के लिए। तो अब देखते हैं वहाँ जाके अपडेट क्या अपडेट है, और फिर आपसे बाबूसर टॉप पे मिलते हैं, या अगर बीच में कोई अच्छे से पॉइंट आए तो वहाँ आपसे मुलाकात होगी हमारी। तो जनाब ये देख सकते हैं ऊपर से पानी आ रहा है बिल्कुल VIP किस्म का, और हमारी गाड़ी भी वॉश हो गई है इस चक्कर में। जैसे जैसे हम बाबूसर की तरफ पहुँच रहे हैं और बाबूसर हमें अपनी ओर खींच रहा है, और वैसे वैसे कुदरत के नज़ारे जो हैं वो बिल्कुल हसीन तर हसीन होते जा रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बाय रोड अपनी गाड़ी का जो मज़ा है ना, वो सच में किसी के साथ जाने का मज़ा नहीं है। आप अपनी गाड़ी में जाएं और ख़ुद ड्राइव करें, मज़ा ही दुबाला हो जाता है भाई, मज़ा ही दुबाला हो जाता है। फाइनली हमने जो है ना थोड़ा सा रेस्ट लिया है, और रेस्ट लेके हमने सोचा है कि थोड़ा आपको नज़ारे कराए जाए लूलूसर लेके, तो आए आपको नज़ारे कराते हैं। तो जनाब इस टाइम हम बाबूसर से पहले लूलूसर लेक है, हम वहाँ रुके हैं और वहाँ के आपको नज़ारे दिखा रहे हैं कि कितनी खूबसूरत जो है ये लेक है, ऊपर बर्फ़ के पहाड़ हैं और ये लूलूसर लेक है। तो भाई और ठंड बहुत है, बहुत ठंड है कि आप देख सकते हैं कि पानी में अगर हम हाथ भी लगाते हैं ना तो बस समझ लें हाथ तो हमारा गए गया, और हमारी गाड़ी भी जो है ना गर्म ज़रा सी भी नहीं हुई, बिल्कुल ठंडी ठंडी हो रही है गाड़ी। तो जनाब ये देख सकते हैं बर्फ़ जो है ना ये स्टार्ट हो गई है यहीं से, और लूलूसर लेक पर थे हम, अब यहाँ से हम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ गए हैं बाबूसर के लिए, और ठंड जो है बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ, मज़ा बहुत आ रहा है भाई, मज़ा बहुत आ रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी मेरा व्लॉग देख के बहुत मज़ा आ रहा होगा। बस चलते हैं बाबूसर, और बाबूसर पे आप से बाबूसर टॉप पे पहुँच के आपसे मुलाकात करूँगा। जनाब आला फाइनली हम बाबूसर टॉप पर पहुँच गए, अपनी मंजिल पर पहुँच गए, और बहुत हसीन नज़ारे हो रहे हैं और सर्दी भी बहुत है। आए अब हम आपको नज़ारे कराते हैं और आपको भी दिखा देंगे कितना ज़बरदस्त मौसम हुआ है। तो आप ये चेक कर सकते हैं बाबूसर टॉप की सूरत हाल, लेकिन हम जाएंगे उस वाली साइड पे थोड़ी देर बाद, तो हम मिलते हैं आपसे उस जगह पे। तो भैया मौसम आप चेक कर सकते हैं कि ठंड बहुत है, हमारी खुद कुल्फी जमी हुई भाई, क्या कह सकते हैं। तो भैया हम चौड़ेपन में वीडियो बनाने के लिए निकले थे, लेकिन हमारी खुद की वीडियो बन गई है यहाँ पर, बहुत 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 ठंड हो रही है भाई, -30 हो रहा है, -30। तो जनाब बाबूसर टॉप पर आए हुए हैं और ये हम आके मज़े ले रहे हैं, और साथ साथ पकौड़ों के भी मज़े ले रहे हैं, क्योंकि इसके बिना तो गुजारा है ही नहीं ना भाई, है ही नहीं। तो जनाब हम वापसी जा रहे हैं बाबूसर से, सॉरी वापसी तो नहीं, हम आगे की तरफ जा रहे हैं चिलास की तरफ, तो ये रास्ते मेरे ख़्याल से बंद थे जिसकी वजह से ये रास्ते खोले गए हैं, और पूरी बर्फ़ी बर्फ़ हुई भी है, और मज़ीद आगे चेक पोस्ट है और गाड़ियां और मज़ीद रुकी हुई हैं आगे, हम भी जो है अपने
पहले गियर में ही गाड़ी चला रहे हैं भाई, सांस रुक रही है, क्या करें, बनाना भी ज़रूरी है। तो जनाब जाते जाते सोचा कि आपको बाबू सर के कुछ हसीन लम्हात जो हैं वो दिखाता चलूं, और फिर उसके बाद जो है हम जा रहे हैं चिलास, और चिलास में देखें चिलास जाते हैं या नलतर जाते हैं, वो तो पहुंच के ही पता चलेगा हमें कि हम कहाँ जाते हैं। तो जनाब आप ये भी देख सकते हैं नज़ारे, हम इतनी ऊपर से नीचे उतर रहे हैं और ये बहुत 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 दूर है, ये बहुत दूर है। हमने कहा थोड़ी ये अपनी गाड़ी को जो है ना ठंडा किया जाए, उसके ब्रेक वगैरह, तो इसलिए हम यहाँ रुके। तो जनाब आला हम यहाँ अपनी कैन में पानी भरने आए हैं, और ये आप ये व्यू चेक कर सकते हैं, इस टाइम चिलास से पहले रुके हम, बहुत ज़बरदस्त और बहुत VIP किस्म का हुआ था सीन जो है। ये भी ज़रूरी है तो भैया हाथ देख सकते हैं, बर्फ से हमारे अकड़ गए बिल्कुल हाथ, लेकिन ये भी ज़रूरी है। तो जनाब हमें गाड़ी चलाते 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 रात हो गई है, और अब बस गिलगित आने वाला है, तो हमने सोचा कि गिलगित में खाना वाना खा के उसके बाद हम जाएंगे नलतर। हमने पूरा प्लान बना लिया कि नलतर में ही स्टे करेंगे आज हम, तो मिलते हैं आपसे गिलगित के अंदर, और देखें रात का मंजर कैसा हो रहा है और ये रास्ते कैसे हो रहे हैं। दिखाएं भाई, फुल खौफनाक वाला सीन चल रहा है भाई, फुल खौफनाक सीन। तो भैया गिलगित पहुंच गए हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने खाने की जगह पर मतलब स्टे लिया है, तो यहाँ अंदर जा रहे हैं खाने के लिए, और खुशबू तो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है बाहर, तो देखते हैं अंदर जाके कि कैसा खाना है, और उसके बाद हम अपने होटल पर जाते हैं। तो जनाब भूख बड़ी टाइट लग रही थी, तो चाइनीज़ राइस और ये बर्गर ऑर्डर किया है और फ्राइज, तो हमेशा की तरह भाई देखना आपने खाना मैंने, आप लोग देख के इंजॉय करें क्योंकि भूख बड़ी टाइट लग रही है, सुबह से भुक्कड़ हुए हैं हम लोग, तो खाने दीजिए, मिलते हैं आपसे होटल के अंदर। अब यार रात को हिम्मत बहुत डाउन हो गई थी और बहुत ठंड हो रही थी, तो इसलिए व्लॉग का हम एंड नहीं कर पाए थे, तो भाई बहुत मज़ा आया होगा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कल के व्लॉग में, तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग के अंदर, जब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय।